हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स, ग्रेड 9 सोशल साइंस बुक। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ देखते हैं कि एक सिस्टमैटिक कलेक्शन रूल्स का इस तरीके से बनाया गया है ताकि हम अपनी कंट्री को जो है गवर्न कर पाए, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। किसी रूल्स का एक जो सिस्टमैटिक तरीके से कलेक्शन रूल्स का दिया गया है, इस तरह से बनाया कि हमारी कंट्री जो है आसानी से गवर्न कर पाए, जो भी गवर्नमेंट आए वो आसानी से उसके बेसिस पे गवर्न कर पाए, तभी हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। अब है कि इम्पोर्टेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जो भी हमारे कंट्री के कानून है वो सब के सब कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित है। कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है या जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होती हैं, वो पूरी तरह से जो भी प्रावधान है उससे संबंधित होती है। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुपीरियर माना जाता है, चाहे कितनी भी लॉज है कंट्रीज की, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सबसे ऊपर है। इसमें जो है लगातार समय समय पर बदलाव भी होते रहते हैं, जैसा कि लोगों की आकांक्षा है उसके अनुसार, उम्मीदें हैं, उनके हित हैं, साथ ही साथ इमोशंस, भावनाएं जो हैं उसके अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस होते हैं। इसीलिए रीजन कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लाइव और बेसिक डॉक्यूमेंट है। अब देखते हैं प्रोसेस क्या था फ्रेमिंग करने का कॉन्स्टिट्यूशन को। इंडिपेंडेंस से पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने 25 मार्च 1946 को ड्यूटी दे दी कैबिनेट मिशन को, जो कि 3 मेंबर्स की थी, कि आप सॉल्यूशन निकालें, जो भी सवाल हैं इंडिया के इंडिपेंडेंस से संबंधित उससे जो भी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं वो निकालें। अब ये जो कैबिनेट मिशन था, इसके रिकमेंडेशन पर ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनाई गई और स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिसाइड किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लगभग 389 मेंबर्स थे, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो अलग अलग रिलीजन, कास्ट, जेंडर और ग्रुप को बिलोंग करते थे, लोगों की जो कि बहुत ही अलग ही ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन से आए हों, मतलब अलग अलग क्षेत्रों से आए हों, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हों, एक्सपर्ट्स हों, कई सेक्टर्स से, इन सब को जो है शामिल किया गया और तब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 389 मेंबर्स की। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एचपी मोदी, एचवी कामंद, फ्रैंक एंथनी, कन्हैया लाल मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर, बलदेव सिंह और वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स में सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, ये सब लोग मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट करी गई ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जाए, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसने अपनी वर्किंग शुरू करी 9 नवंबर 1946 को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम करना शुरू किया 9 नवंबर 1946 से। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये मिली लगभग 166 सेशंस के लिए, जो कि 2 साल 11 महीने 17 दिन का वक्त था। जो मेंबर्स थे असेंबली के, उन्होंने जैसे कहते हैं ना, एक एक छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ जो है उस पर डिस्कशन किया, हर एक डिटेल क्या होना चाहिए प्रावधान, जो भी मैटर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित अलग अलग कंट्रीज में, हर एक चीज़ पर बारीकी से ध्यान किया और उसके बाद विचार विमर्श के ही इसको बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 295 आर्टिकल्स हैं, 8 अपेंडिसेस हैं, पर अमेंडमेंट्स के बाद यानी चेंजेस के बाद से 395 आर्टिकल्स और 9 अपेंडिसेस हैं। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम हुआ। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को यूनानिमस तौर से पास किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो लागू हुआ और इंडिया जो है एक रिपब्लिक नेशन के तौर पे डिक्लेयर किया गया। उसके बाद से हर साल 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, जो कि हमारा एक तरह से राष्ट्रीय फेस्टिवल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे में 4 लॉइंस हैं नेशनल एम्बलम के तौर पे, और जो हमारा नेशनल स्लोगन है वो है सत्यमेव जयते, यानी सच्चाई की हमेशा जीत होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने सिटीजन्स के लिए जो है सिटीजनशिप दी है, राइट्स दी हैं, ड्यूटीज दी हैं लोगों को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए हैं स्टेट पॉलिसी के लिए, यूनियन स्टेट रिलेशंस, इलेक्शंस और इमरजेंसी प्रोविजंस। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा डिटेल और सबसे ज़्यादा बड़ा नेशनल डॉक्यूमेंट माना जाता है। अब है व्हाट इज प्रीएम्बल। प्रीएम्बल सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और मेन पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआत ही प्रीएम्बल से करता है। जो शब्द लिखे गए हैं प्रीएम्बल में वो हमारे संविधान की आत्मा को दर्शाते हैं। अब जो वर्ड्स डिस्क्राइब किए गए हैं प्रीएम्बल में वो क्या है? प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमनली रिजॉल्वड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी। और फिर यहाँ दिया गया है कि इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस इज 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है हमारे प्रीएम्बल में दिया गया है। अब प्रीएम्बल जो है इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ 1976 तक, पर जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1976 में उसमें जो वर्ड है सोशलिस्ट सेकुलर यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन ये भी जो है ऐड कर दिए गए। ये जो प्रीएम्बल है ये हमें बताता है कि फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसकी एम आइडियाज और प्रिंसिपल्स क्या है। इसीलिए प्रीएम्बल स्ट्रेट अवे हमें बिल्कुल एक क्लियर इंसाइट देता है कि वेलफेयर के रूल्स क्या है। प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेमर थे उनका क्या एक सोच थी उसको जो है दर्शाता है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है प्रीएम्बल की। प्रीएम्बल जो है एक सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फ्रेमिंग करने के लिए किसी भी लॉ की या उसकी व्याख्या करने के लिए प्रीएम्बल से हमें प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। क्या पॉलिसी है किसी भी लॉ को फ्रेम करने के लिए उसको समझने के लिए प्रीएम्बल एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक बहुत यूजफुल टूल है जिससे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या में जो है परेशानी ना आए। जब भी कोई भी एम्बिग्विटी या डिटेल्स जो ऑब्सक्योर होते हैं वो लॉ में उठते हैं तो प्रीएम्बल जो है उसको मदद करता है समझने में और लॉ की व्याख्या करने में। मतलब अगर आपको लॉ से संबंधित कोई भी परेशानी है, कहीं भी कोई दुविधा है, कुछ भी आपको डिटेल समझने में बाधा आ रही है तो ऐसे में प्रीएम्बल आपकी मदद करता है। तो प्रीएम्बल एक तरह का कंपास है जो हमारे को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जो भी प्रावधान है उन्हें समझाने में हेल्प करता है। प्रीएम्बल नेशन की यूनिटी इंटीग्रिटी और उसका जो स्टैंडर्ड है भाईचारे का, एक हम कहते हैं ना सिटीजन के बीच में बना रहे जिनके आपस में एक नोबल सेंटीमेंट्स हो आइडियल्स हो वो उनको जो है हम एक प्रीएम्बल के अंदर मानते हैं। यानी कि हमारी जो नेशन की अखंडता है एकता है भाईचारा है लोगों के बीच में जो आपस में एक दूसरे से विचारधारा और सेंटीमेंट से जुड़े हुए हैं वो ही हमारा प्रीएम्बल है। तो प्रीएम्बल जो है उसके पीछे कौन है? हाई आइडियल्स और गोल्स, मतलब एक बहुत ही उच्च विचारधारा और बहुत ही ज्यादा जो एम है टारगेट्स हैं गोल्स हैं उसकी वजह से ही प्रीएम्बल को बनाया गया है। अब देखते हैं पिलर्स क्या है प्रीएम्बल के। यहाँ जो वर्ड्स दिए गए हैं प्रीएम्बल में वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जस्टिस लिबर्टी फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी। अभी हम यहाँ पर तीन मेन पिलर्स जो प्रीएम्बल के हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आता है डेमोक्रेसी। अल्टीमेट सोवरेनिटी जो पावर की है वो लोगों के पास है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। यहाँ किसी एक पर्टिकुलर इंसान की कोर नहीं है बल्कि ये जो है पूरे लोगों के पास है। मतलब एक ही पर्टिकुलर मोनार्की नहीं है कि तानाशाही नहीं है कि एक ही आदमी के ऊपर सारा मतलब पावर है, यहाँ लोगों के पास है। डेमोक्रेसी ये जो शब्द है डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड डेमोस से, इसका मतलब होता है लोग और क्रेटोस का मतलब होता है पावर। कंट्री की जो पावर है वो कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में नहीं है बल्कि जो लोग हैं कंट्री के उनके हाथ में है। डेमोक्रेटिक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें बराबर के तौर पर न्याय मिलता है लोगों को, चाहे वो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल फील्ड में हो या फिर यह अधिकारों को लेकर हो पार्टिसिपेशन के। डेमोक्रेटिक इंडिया में लोग अपने लीडर्स को चुनते हैं अपनी खुद की चॉइस से, उनको वोट डाल के जो लीडर्स हैं फिर वो रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में इन लोगों को जब वो एज्यूम कर लेते हैं पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर या फिर उनके कैबिनेट मेंबर्स के तौर पे। जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके पास पूर्ण रूप से पावर नहीं होती, उनको एक समय सीमा दी जाती है। इसी तरह से वोटर्स जो है वो इलेक्ट करते हैं स्टेट
और लोकल गवर्नमेंट को। इसीलिए डेमोक्रेसी का मतलब होता है बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों की। कैबिनेट में जो है मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के। अब ये जो कैबिनेट है मिनिस्टर्स की, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट के लिए। कोई भी सिटीजन हो इंडिया का जिसने जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल एलिजिबिलिटी हासिल कर रखी है, वो जो है इलेक्शन लड़ सकता है। मिनिस्टर की जो पोजीशंस होती हैं, वो ऐसा नहीं है कि हेरिडिटरी के बेटे के बाद उनका बेटा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। हर चुनी हुई गवर्नमेंट 5 साल के लिए बनती है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है काम करती है उन प्रिंसिपल्स पे कॉन्स्टिट्यूशन के जो दिए हुए हैं, और फिर इसीलिए कहा जाता है इसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है आधारित है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की फीलिंग्स में, और ये लगातार काम करती है ताकि इन गोल्स को हासिल कर सके। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर देता है लोगों को कि वो जो है अपने वोट को डाले अपनी इच्छा से, और इस तरह से कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। जो कॉन्स्टिट्यूशन है डेमोक्रेटिक इंडिया का, वो देता है फंडामेंटल राइट्स, प्रिंसिपल पॉलिटिकल डायरेक्शंस के लिए, पार्लियामेंट के लिए, मेंबर ऑफ असेंबली, इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जस्टिस के लिए और इलेक्शन कमीशन के लिए। ये वो प्रावधान है जो हमारी कंट्री को हर मींस में डेमोक्रेटिक बनाते हैं। एडल्ट सफरेज का मतलब है कि सिटीजन्स जो कि 18 साल से ऊपर की एज के हैं, वो अपना वोट डाल सकते हैं अपने खुद के लीडर की चॉइस के अनुसार, और मतलब अपनी जो भी चॉइस है उस लीडर को लेके, बिना किसी भेदभाव के, चाहे कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर, एजुकेशन, इनकम या फिर बर्थ प्लेस हो। लेकिन हाँ, एसेंशियल क्या है कि जो सिटीजन्स हैं उनका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में होना चाहिए। फिर आता है दूसरा सोशलिस्टिक। 1976 में जो 42nd एंटीन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो है ऐड किया 42nd अमेंडमेंट में वर्ड सोशलिस्ट। ज्यादातर जो प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, वो दिखाते हैं सोशल रिवॉल्यूशन, जो कि आया, लेके आया सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी को, और बाद में उसका जो एम था वो था वेलफेयर करना स्टेट की। जो प्रिंसिपल है सोशलिस्टिक पैटर्न के, वो डायरेक्ट करते हैं सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वालिटी सिटीजन्स के लिए, जैसा कि प्रीएम्बल में दिया गया है। अब ये जो है प्राइम फीचर माना जाता है स्टेट का। ये रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया जो है वो कमिटेड है कि वो सिक्योर करेगी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस अपने लोगों के लिए। इंडिया जो है उसने मतलब वो खड़ी है कि वो खत्म करेगी हर तरह का एक्सप्लॉयटेशन, शोषण, यहाँ तक कि वो जो है बराबर के डिस्ट्रीब्यूशन हो इनकम का, रिसोर्सेज का, वेल्थ का, उसको भी सिक्योर करेगी। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के पास पूरी पावर्स नहीं होगी हर एसेट्स की, बल्कि हर एक को बराबर का मौका होगा कि उसको फैसिलिटीज मिले, प्रोविजंस मिले सोसाइटी से, और इस तरह से जो डिस्क्रिमिनेशन है रिच और पुअर का वो खत्म किया जा सके। तो हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है वो एक सोशलिस्ट डॉक्यूमेंट है। फिर आता है सेकुलरिज्म। ईयर 1976 में 42nd इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में वर्ड सेकुलर जो है इसे इंसर्ट किया गया। अब इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। इंडिया कभी भी एक पर्टिकुलर रिलीजियस कंट्री नहीं बन सकती, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है। इंडिया कोई पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो नहीं करती, तो इसी वजह से ना तो वो प्रमोट करती है किसी रिलीजियस एक्टिविटी को। वो कंट्री जो है इन्वॉल्व नहीं हो सकती किसी भी सेकुलर एक्टिविटी में, जो जिसमें कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी हो। जो सिटीजन है कंट्री के, उनके पास फ्रीडम है अपनी चॉइस का रिलीजन जो है उसको एंजॉय कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। वो किसी भी सिटीजन से भेदभाव नहीं करती रिलीजियस बेसिस पे। इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज, पॉलिटिकल राइट्स सिटीजन्स को ये दी जाती है बिना रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के। तो इस तरह से सेकुलरिज्म जो है बेसिक फाउंडेशन और मैंडेटरी फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। सर्व धर्म संदृष्टि और सर्व धर्म संभव, ये प्रिंसिपल्स हैं जो कि इनकॉर्पोरेट किए गए हैं किस कॉन्स्टिट्यूशन में। कोई पर्टिकुलर रिलीजन इसको इनकरेज नहीं किया जाएगा किसी भी स्टेट में। कोई प्रोहिबिशन जो है नहीं है किसी सिटीजन के ऊपर, मतलब रोक टोक नहीं है कि आप जो है अपने जो भी रिलीजियस बिलीव्स हैं, ट्रस्ट हैं या फेथ हैं, उनका प्रचार प्रसार ना करें।